स्वादिकप मुआई थाई में स्वादिकप मतलब है हम नमस्कार जो स्टार्टिंग में करते हैं उसको हम स्वादिकप बोलते हैं। इसमें ये जो हमारा मुआई थाई बॉक्सिंग एकेडमी है ये पूरा नेशनल इंटरनेशनल रिकग्नाइज है। मुआई थाई इंडिया नेशनल फेडरेशन जो बेंगलोर में है उससे रिकग्नाइज है, उसके बाद दिल्ली ओलंपिक और इंडियन ओलंपिक इससे रिकग्नाइज है, इफमा फामा जो फेडरेशन इंटरनेशनल है उससे रिकग्नाइज है। और इसकी जो ट्रेडिशनल थाईलैंड में जो बॉडी हैं फिजिकल एजुकेशन थाईलैंड ओलंपिक थाईलैंड के अंडर में जो आती हैं उससे रिकग्नाइज है, जैसे क्रू मुआई थाई एसोसिएशन मोए बोरान एसोसिएशन से रिकग्नाइज है। तो हम लोग कोशिश करते हैं जैसे जिस तरह से मुआई थाई जो थाईलैंड का नेशनल गेम है जो ट्रेनिंग थाईलैंड में चलती है हम लोग करते हैं पूरी उसी तरह से यहाँ चलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट जाके थाईलैंड में इसके इंटरनेशनल एंड में सेंटर्स में ट्रेनिंग की, यूनिवर्सिटीज से इसका कोर्स किया, जिससे हमें पता लगा कि मुआई थाई जो है बहुत पुरानी आर्ट है जो रामायण काल से चली आ रही है। इसमें स्टडी के बाद ये मालूम पड़ा कि जो रामायण काल से जो युद्ध हुआ था श्री राम और हनुमान सेना इन्होंने जो रामायण के खिलाफ जो युद्ध किया था उसमें जो टेक्निक्स यूज हुई थी जो हमारे पुराने काल में ये देखा जाए तो इसको इंडिया से रिलेटेड ही है। जो पुराने टाइम में इंडिया के अंदर जैसे हनुमंती युद्ध बजर मुष्टि मुष्टी युद्ध चामंत युद्ध इस तरह के जो हमारे यहाँ मल्ल युद्ध वगैरह जो हुआ करते थे उसके कुछ अंश आज भी इसमें मिलते हैं। शेषनाग युद्ध जिस तरह के इसमें टेक्निक्स हैं शेषनाग युद्ध सब इसमें आज भी आता है और श्री हनुमान श्री राम के नाम से श्री नारायण के नाम से अटैक्स के नाम आज भी हैं क्योंकि टेक्निक्स में चली आ रही हैं। तो ये आज तक इसको बीट नहीं कर सका किसी ने भी, इसको बहुत कोशिश करने के बाद भी आज ये मुआई थाई जैसी स्टार्टिंग में थी हजारों साल पहले वही आज यहाँ भी है। बस को ओलंपिक इवेंट्स बनाने के लिए तो थोड़ा थोड़ा सा इसको प्रोहिबिटेड कर दिया है, जैसे कुछ प्रोहिबिटेड पार्ट बना दिए हैं, कुछ ग्लव्स और ग्रोइन गार्ड चेस्ट गार्ड हेड गार्ड सिन गार्ड वगैरह डालने के बाद कुछ स्पोर्ट्स बना दिया है लेकिन टेक्निक्स वही है। और इसको रिंग में कई स्टाइल में चलाते हैं जैसे प्रोफेशनल हो गया प्रो अमेच्योर हो गया और अमेच्योर फाइट वो ओलंपिक में है। तो उस तरह से हम लोग कोशिश करते हैं सिखाने की इसको पूरी तरह। और सारे इक्विपमेंट वहाँ से लाए, कुछ इंडिया के जो खास जो पुराने टाइम से इक्विपमेंट चला रहे जैसे मुग्धर हो गया और कुछ पुरानी टेक्निक्स हैं उसकी एक्सरसाइज भी हम लोग करते हैं। जो हमारी पुरानी रेसलिंग जिसको मल्लयुद्ध किया करते थे उसकी जो टेक्निक्स हैं उसको भी हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं। सबको मिला के हम लोगों ने यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट शुरू किया मुआई थाई बॉक्सिंग अकेडमी, दूसरा ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। तो यहाँ से नेशनल इंटरनेशनल लेवल के फाइटर तैयार होते हैं, कुछ लोगों ने एशियन इंडोर गेम्स इंडियन ओबीसी गेम्स में भी या एशियन मार्शल आर्ट गेम्स में हिस्सा लिया। मैं खुद 5 times इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ एशियन गेम्स में और मार्शल आर्ट गेम्स में। हमारे यहाँ से एक हरीश हैं रितेश सैनी हैं, इन लोगों ने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अचीवमेंट ली एशियन गेम्स और एशियन बीच गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल लिए। 5 fighters सेलेक्ट हुए हैं जो कलकत्ता में नेशनल चैंपियनशिप में जाने वाले हैं। दिल्ली ओलंपिक्स के अंडर में जो गेम्स हुए थे उसमें हम लोगों का बहुत अच्छा उसमें रहा, उसमें 200 पार्टिसिपेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया जिसमें से हमारे इंडिया बॉक्सिंग एकेडमी जो है हमारी मुआई थाई बॉक्सिंग एकेडमी इसमें कम से कम 9 लोग चैंपियन हुए और कुछ लोग रनर अप रहे जिसको हम एलिफेंट बोलते हैं। इसमें बोलते हैं छांग बोल देते हैं इरावान बोल देते हैं, उसका इरावान टेक्निक्स हम लोग यहाँ सिखाते हैं। जैसे कई लोग मै माई लुक माई की 15-15 टेक्निक्स है, मै माई लुक माई 15-15 उस लोगों को हम लोग कोशिश करते हैं कि इसमें यूज़ करें मुआई थाई कॉन्टेस्ट में भी, तो वो लोग हम लोग सिखाते हैं। जैसे इरावान सुइया बाता लुपाक हनुमान तवईवान हनुमान वाकाम हनुमान परायाप राम परायाप सलाफनपा पाक्सा वैकलांग सवाता तहोक नवतंकित, इसी तरह से हमारी एल्बोज हैं जिसको हम शौक बोलते हैं, शौक ती शौक 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 सात शौक मत शक पुंग शक मलाया शक साप खाओ खाओ थोन खाओ नी नी को हम खाओ बोलते हैं, खाओ थोन खाओ चियांग खाओ ला खाओ ती खाओ तात। इसी तरह से पंचीस हैं जो बॉक्सिंग्स के अंदर आजकल की बॉक्सिंग है जो बॉक्सिंग में जो पंचीस होते हैं वो तो है ही, इसके अलावा भी इसमें घूम के जिसको हम बोलते हैं क्लाप मत हो गया हमारा, ये सब लोग इसमें घूम के अपर ऊपर से हैमर पंच इस तरह से होता है, हनुमान मत हनुमान भी बोलते हैं हम लोग इसको, गदो शौक भी बोल देते हैं, वो सब लोग हम इसमें यूज़ करते हैं। तीप ते भी कई तरह की होती हैं, ते ते ततलान ते था ते खा
थेलम तुआ थे खानखा, इस तरह की हम लोग इसमें ते यूज़ करते हैं, तीब यूज़ करते हैं, कई तरह से क्रैपलिंग यूज़ करते हैं। तो वो सब चीज़ हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। और उससे पहले प्री वर्क हम ये करते हैं कि स्टार्टिंग में सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग कराते हैं लोगों को, स्ट्रेचिंग फर्स्ट, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग करते हैं वार्म अप। पूरी बॉडी वार्म अप के लिए हमारे बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेली हम लोग कोशिश करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज करें वार्म अप के लिए। इसमें टायर जंप, स्कीपिंग तो रूटीन में डेली आती हैं, बाकी और चीज़ हम लोग थोड़ा सा चेंज करते रहते हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं रोटेशन, बॉडी रोटेट करते हैं पूरी, स्ट्रेच करते हैं। उसके बाद हमारी मेन इवेंट जो है प्रैक्टिस शुरू होती है, जो शैडो ट्रेनिंग से स्टार्ट होती है। शैडो मत हो गया, शैडो खाओ थ्रोन, ये सब लोग हम राउंड लेते हैं, 3-3 मिनट्स के 5 या 4 राउंड्स लेते हैं। उसके बाद हम लोग पैडिंग वर्क करते हैं, जैसे 5 का पैड वर्क होता है। उसके बाद हम लोग तो बच्चों को कराते हैं अपना किक बैग, पंचिंग के लिए, एल्बो के लिए, तीर के लिए, उसके लिए हम लोग पैक को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा सबसे लास्ट में चलता है क्लिंचिंग। क्लिंचिंग होने के बाद कम से कम 15 मिनट हाफ आवर का क्लिंचिंग टेक्निक के बाद हम लोग फिर इसको पावर ट्रेनिंग पर ले जाते हैं। पावर ट्रेनिंग के लिए हम लोग थोड़ा वेट यूज़ करते हैं, वेट ट्रेनिंग होता है, पुशअप्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, और वेट ट्रेनिंग करते हैं थोड़ा सा उसमें, और नेक के लिए हम वेट को नेक से उठाते हैं। इस तरह का सब पूरा ट्रेनिंग करने के बाद एक फाइटर मुआय थाई का, जिसको हम बोलो नक मुआय बोलते हैं, वो जब जाके तैयार होता है। इसको तैयार करने में, एक अच्छा खिलाड़ी तैयार करने में कम से कम